गाइज देख सकते हैं यहाँ पर आपको लैपटॉप मिल जाएगा गाइज, और इसके प्राइस इन्होंने बताए 800 रुपये, 800 रुपये प्राइस बताएं गाइज, बोल रहे हैं चेक करवा लो, चेक करवा लो गाइज, यहाँ पर चेक भी हो जाता है, 20-30 रुपये लगते हैं, चेक हो जाता है यहाँ पर। और गाइज कंडीशन इतनी वेल गुड कंडीशन में गाइज, नेगोशिएबल प्राइस है गाइज, 800 बोल रहे हैं इन्होंने, 800 500। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि आपको चोरी का कंप्यूटर क्यों नहीं खरीदना चाहिए और खरीदते हो तो क्या सजा हो सकती है। देखो इसमें मैंडेटरी नहीं है, हो सकती है। बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा शुरू में एक वीडियो आई थी चोर बाजार से ना, लोग क्या करते हैं चोरी का आइटम खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो एक क्राइम है, यानी वो एक ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है? सेक्शन 66B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें क्या है, इसमें ये कि अगर तुम किसी से चोरी का फ़ोन, लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा खरीदते हो या रिटेन करते हो, रिटेन इन द सेंस या एक तो तुमने पैसे दे के खरीद लिया या फिर तुमने रिटेन किया हुआ है, किसी से ले लिया और अपने पास रख लिया, तो वो क्राइम है, यानी उसमें आपको सज़ा मिल सकती है। नेक्स्ट थिंग आता है यार, देखो कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाई हमने तो बहुत बार पहले खरीदा था, हमें तो कोई सज़ा नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, भाई हम तो बड़े मज़े से हैं। तो यार देखो इनमें ऐसा है, जो साइबर वो है ना सेल, वो ना काम करता रहता है, वो काम करता रहता है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं, ये नहीं है कि 1-2 साल नहीं हुए तो तुम पकड़े नहीं गए, भाई 4-4 साल बाद, 10-10 साल बाद लोग पकड़े गए हैं, 10-10 साल बाद पकड़े गए कि भाई तुमने उस टाइम ये खरीदा था, अब तुम्हारे ऊपर ये धारा लग रही है, ये है, मतलब चलती रहती है वो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, कार्रवाई चलती रहती है। तो ये ना सोचो कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए तो हमें तो कुछ नहीं होगा। तो मॉरल ऑफ द वीडियो इस ये है कि कभी भी तुम चोरी का ना तो कंप्यूटर खरीदो, ना लैपटॉप खरीदो, ना फ़ोन खरीदो। चोर बाजार होता है ना, जैसे भी जाते हैं लोग मार्केट विजिट करने, कभी मत जाओ वहाँ पे। ये ना लॉन्ग टर्म सोचा करो आप, अभी तो तुमने खरीद लिया, चला रहे हो तुम, यूज़ कर रहे हो, लेकिन आगे की गारंटी नहीं है ना, उस चीज़ को सोच के चलो ना, लॉन्ग टर्म सोच के चला करो ना, लॉन्ग टर्म हर चीज़ में ना लॉन्ग टर्म सोचा करो, लंबी रेस के घोड़े बना करो, कभी भी ना शॉर्ट टर्म चीज़ मत सोचा करो, तो आने वाले टाइम में मतलब दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी ये सब आप मत खरीदो, कुछ पैसे लगेंगे आप इंस्टॉलमेंट में ले लो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही वो है भी खरीदना है सस्ते में तो इंस्टॉलमेंट पे ले लो, मतलब बाद के लिए पचड़ा तो नहीं होगा ना, फिर बाद में तुम्हें फ़ाइन देना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, चौकी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, थाने के आना जाना पड़ रहा है कोर्ट कचहरी का, फिर वो तो तुम्हारी लाइफ टेम्पर कर देता है ना, बहुत छोटी सी लापरवाही बड़ा इंपैक्ट कर देती है। सो मॉरल ऑफ द वीडियो यही है कि भाई मत खरीदा करो ये सब, और वो ये ना शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। ओके, मेरा काम समझाना है, समझा दिया, अब आगे आगे आपकी मर्जी है। ओके बाय। महेश दल्ले।